मैंने तो पहले ही कहा था कि आईपीएल 2024 सिर्फ एक नाम से जाना जा रहा है, जिसका नाम है थ्रिलर थ्रिलर थ्रिलर। और आज के मुकाबले में भी वैसा ही हुआ। अगर आपको बताएं कि आज से पहले 250 से ऊपर का स्कोर कितनी बार बना है, आप गैस करोगे मात्र एक बार। लेकिन इसी सीजन में वो रिकॉर्ड 8 बार टूट चुका है, मतलब कि 8 बार 250 से ज्यादा रन बने भी हैं और इवन चेज भी हुए हैं, जिसका सीधा उदाहरण आज का ये मैच था, जो कि था कोलकाता वर्सेस पंजाब के बीच। और क्या ही ये मैच था, जहां पर कि अगर बात करें तो कोलकाता ने जब 261 बनाए थे तो उनके अंदर ये उम्मीद जरूर रही होगी कि अब हम इस मैच को हारने नहीं वाले। लेकिन पंजाब किंग्स के मंसूबे कुछ और थे और गिरते पड़ते नहीं, सीना ठोक के रन चेज उन्होंने कंप्लीट करके दिखाई, 262 रन बनाकर केकेआर को उनकी अपनी तीसरी हार थमा दी है। और पंजाब किंग्स की टीम अभी भी जिंदा है इस टूर्नामेंट में, उनका भविष्य उनके हाथों में है। तो बेसिकली दोस्तों आइए बताते हैं आपको आज के इस मैच में, धमाकेदार मैच में हुआ क्या, उसके बाद पॉइंट्स टेबल की तरफ चलेंगे, अब कौन सी टीम को कितनी ज्यादा जीत की जरूरत है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। तो सीधे चलते हैं आप वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर लिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे लाल कलर में दिख जाएगा और लाइक का बटन भी नीचे आ रहा होगा, तो प्रेस कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप जुड़ जाओगे हमारी इस फैमिली से और आपको मिलती रहेंगी ऐसी इंटरेस्टिंग धमाकेदार अपडेट आईपीएल 2024 की और T20 वर्ल्ड कप की, इवन पूरे क्रिकेट जगत की। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ये मुकाबला हो रहा था ईडन गार्डन पर, जहां पर हमें पहले से उम्मीद लग रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है कि यार इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है, बिकॉज कोलकाता की पिच कुछ इसी हिसाब से बिहेव कर रही है। तो जब कोलकाता की आ जाती है बल्लेबाजी तो ओपनर्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। सुनील नारायण, फिल सॉल्ट दोनों 70 से ऊपर रन बनाते हैं, एक 75 बनाता है, एक 71 बनाता है, सो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों करके दिखाते हैं। उसके बाद वेंकटेश अय्यर आते हैं 23 गेंदों में 39 रन, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो जाते हैं जीतेश शर्मा के द्वारा। उसके बाद आते हैं फिर आंद्रे रसल, 12 गेंदों में बनाते हैं 24 रन, 2 चौके 2 छक्के। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट इस मैच का फिनिशर थे वो थे श्रेयस अय्यर, 10 गेंद खेलते हैं और 28 रन बनाते हैं, जिसमें 3 बड़े छक्के शामिल थे और मात्र 1 चौका था। इसके बाद रिंकू सिंह 4 गेंदों में 5 रन और रमनदीप सिंह 3 गेंदों में 6 रन बनाकर केकेआर का टोटल 261 पर पहुंचा देते हैं। अगर बात करें बॉलिंग की तो सबको मार पड़ी, बराबर मार पड़ी। सबसे बेकार परफॉर्मेंस बताएं तो कगिसो रबाडा 3 ओवर में 52 रन दिए। उसके बाद अगर बात करें तो सैम करन 4 ओवर में 60 रन दिए, अर्शदीप 4 ओवर में 45, अगर बात करें हर्षल की तो 3 ओवर में 48 रन दिए। सो हर्षल पटेल के ऊपर भले ही पर्पल कैप है, लेकिन बॉलिंग इस मैच में सब ने साधारण करके दिखाई। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है, 262 चेज करने की बात आती है, तो पंजाब किंग्स की टीम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती और पावर प्ले में ही 93 का स्कोर, विशाल का स्कोर खड़ा कर देती है, जिसमें कि प्रभ सिमरन सिंह अपनी 50वीं मार देते हैं। उसके साथ ही जॉनी बेस्टो पहले तो संभल कर खेल रहे थे, लेकिन जब प्रभ सिमरन सिंह आउट होते हैं तब उनका तूफान आता है। प्रभ सिमरन सिंह की बात करें तो अनफॉर्चुनेट थे, वो रन आउट हो जाते हैं और काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, 20 गेंदों में बनाए 54 रन। उसके बाद जॉनी बेस्टो शतक मार जाते हैं, इस रन चेज में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरत थी ऐसी एक पारी की, अगर आपको करना था ये रन चेज तो। लेकिन अगर उनसे भी बेहतर पारी की बात करें तो वो थी शशांक सिंह की, जिन्होंने 28 गेंदों पर 68 रन का स्कोर बना डाला, जिसमें कि आपको बताया 8 बॉल शेष रहते तो पंजाब किंग्स ने ये स्कोर हासिल कर लिया था। सो अब ट्रेंड सेटअप हो चुका है कि इतने बड़े बड़े रन चेज भी हो सकते हैं, अब आपको ऐसा एक नहीं कई सारे स्कोर चेज होते हुए दिख जाएंगे जो कि 200-250 से ऊपर के होंगे। सो आप वेट करिए और शायद आपको एक आध और मैच इसी सीजन ऐसा होता हुआ दिख जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें बॉलिंग की तो केकेआर की बॉलिंग पर सबको मार पड़ी, बात करें सुनील नारायण को छोड़कर, बिकॉज कमाल की गेंदबाजी उन्होंने करके दिखाई, 4 ओवर डालते हैं, 24 रन देते हैं, 1 विकेट भी ले जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मार किसको नहीं पड़ी, 3 ओवर में 48 दुश्मनता चमीरा खा जाते हैं, 4 में 61 हर्षित राणा खा जाते हैं, अनुकूल रॉय 2 में 36 खाते हैं, और बात करें वरुण चक्रवर्ती 3 में 46, वहीं पर आंद्र रसल 2 में 36, रमनदीप सिंह भी आते हैं और 4 गेंदों पर 9 रन वो भी दे जाते हैं। और साथ ही ये मुकाबला पंजाब किंग्स ने जीत लिया है और अब पंजाब किंग्स का जो भविष्य है वो उनके हाथों में है, आ चुकी है 8वें स्थान पर, वहीं कोलकाता की टीम अभी भी दूसरे स्थान पर बनी हुई है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ नहीं आता, रेड कलर का बटन है, लाइक का बटन आ रहा होगा, यू नो दैट राइट, सो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बस मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।